दोस्तों आज हम बताएंगे फोन पे से मोबाइल पे कैसे रिचार्ज करते हैं। फोन पे मोबाइल पे रिचार्ज करना बहुत आसान है, बस इसके बारे में बोलेंगे। बहुत तरीका है रिचार्ज करने के लिए, वही बहुत तरीके से एक दो तरीका बता देंगे। देखो पहले रिचार्ज एंड बिल पेमेंट, इधर मैं मार्किंग कर लेता हूँ। इधर देख लीजिए, इधर लिखा है, वही सेक्शन में है मोबाइल रिचार्ज। वही सेक्शन में मोबाइल रिचार्ज है, तो मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करो। देखो मोबाइल रिचार्ज पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप इधर नंबर सर्च कर सकते हो, कोई भी नंबर जो मोबाइल को रिचार्ज करना चाहता हो सर्च कर सकते हो। इधर सर्च बार में रिचार्ज कर सकते हो, नहीं तो आप पहले से अगर रिचार्ज किया होगा तो इधर रिसेंट रिचार्ज में सारे आ जाएगा। इसके बाद सबसे नीचे देखो स्क्रॉल करके ऐसे जाओ, ये सब माई कॉन्टैक्ट में आ जाता है। ये सब देखो माई कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट के अंदर जितना भी कॉन्टैक्ट होगा वही सब कॉन्टैक्ट नीचे आ जाता है। ये सब देखो माई कॉन्टैक्ट में आ जाता है। देखो इधर से आप रिचार्ज भी कर सकते हो। मैंने जो रिसेंटली रिचार्ज किया था उधर अभी है, तो मैं इधर क्लिक करता हूँ। जो कॉन्टैक्ट रिचार्ज करना है इसके बाद वही कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करो। मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इधर देखो आपका इधर आ जाएगा कौन सा मोबाइल, मतलब एयरटेल का जियो का है, इधर सिलेक्शन करना है। देखो सारे ऑपरेटर आ गया। मैं देखो एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। इधर लेफ्ट साइड में सेक्शन में आपका जो टेलीकॉम प्रोवाइडर है, जो टेलीकॉम कंपनी है, वो कंपनी प्रोवाइडर कौन सा प्रोवाइड से आप अब रिचार्ज करना चाहते हो वही सब लिस्ट दिखा देगा। और राइट साइड में देखो स्टेट दिखा देगा, सब राइट साइड में सारे स्टेट दिखा देगा। आप कौन सा स्टेट है वो सिलेक्शन कर लेना है, नहीं तो अगर है तो ऑटोमेटिकली भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, मान लो पोर्टेबिलिटी करके गया तो थोड़ा दिक्कत लगेगा ये करने के लिए, सेट होने के लिए, तो आप खुद ही कर देना। इसके बाद आ जाता है देखो प्लान आ जाता है, इधर रिकमेंडेड पैक सब आ जाता है, कौन सा पैक आप रिचार्ज करना चाहते हो। मैंने अभी एयरटेल में सिम में रिचार्ज करूँगा। एयरटेल सिम में मैं अभी जो मंथली मिनिमम पैक वही वाला छोटा वाला मोबाइल पर रिचार्ज करूँगा। देखो अभी वो इधर 99 में है, 99 उड़ीसा में, अभी इधर 99 पैक है, 28 डे वैलिडिटी है, और 200 MB पर पैक देता है, मतलब 28 डे में 200 MB देता है वो इंटरनेट यूज करने के लिए। इसके बाद आ जाता है ट्रैफिकल लोकल एसटीडी एट 1 पैसा सेकंड, सेकंड को 1 पैसा लेता है, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट को 60 पैसा। तो चलो रिचार्ज करते हैं, पहले वो 99 पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन आ जाएगा प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर देखो फोनपे वॉलेट में ऑप्शन आ जाएगा, स्टेट बैंक आ जाएगा, और स्टेट बैंक में देखो आप डेबिट कार्ड, UPI या फोनपे वॉलेट कोई भी से कर सकते हो। देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे लगाएंगे। लगाने के बाद देखो इधर प्रोवाइड वैलिड CVV, इधर जो CVV लिखा है, आप अगर उसको जो आपका ATM का पीछे एक छोटा अंक लिखा होगा, 3 अंक, वो 3 अंक CVV बोलते हैं, वो CVV को इधर डालो। इसके बाद पे क्लिक कर दो, वो आपका प्रोसेस हो जाएगा, कट जाएगा, ATM से कट जाएगा। इधर आ जाता है बैंक अकाउंट से, देखो इधर आ जाता है बैंक अकाउंट से, मतलब इधर पे कर देंगे तो बैंक अकाउंट से पे हो जाएगा। हम अभी फोन पे वॉलेट से करेंगे, वॉलेट में हमारा अभी बैलेंस है, तो फोन पे वॉलेट से करेंगे। हम फोन पे वॉलेट से कैसे ट्रांसफर करेंगे इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। देखो अपने बैंक अकाउंट से फोन पे वॉलेट से कैसे ट्रांसफर करेंगे पैसा। फोन पे वॉलेट में 5000 एक रख दो, रखने के बाद कोई भी जब बार बार अगर बैंक अकाउंट में
से रिचार्ज करोगे ना तो बैंक अकाउंट का जो आपका जो बुक है ना खाता है वो फिलअप हो जाएगा जल्दी, तो फायदा नहीं है। तो एक बार अगर मान लो आपको महीने में 100 या 300 500 जो भी करते हो उस हिसाब से दो महीने के लिए डाल दो, नहीं तो एक महीने के लिए डाल के रखो, जब जरूरत पड़ेगा उधर से पे कर दो। बार बार अगर बैंक अकाउंट से करेंगे ना तो बैंक का जो बुक है ना वो फिलअप होता जाएगा, तो फायदा नहीं मिलेगा। जो करना है एक बार में वॉलेट में एक दो महीने के लिए रिचार्ज कर भेज के रख दो वॉलेट में, जब जरूरत पड़ेगा उधर से रिचार्ज करो, बैंक बुक फिलअप नहीं होगा। ठीक है, चलो इधर फोन पे वॉलेट पे प्रोसेस पे कर देंगे। देखो पे रेस 100 इधर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो फिर प्रोसेस आ जाएगा। देखो रिचार्ज सक्सेसफुली रेस 100 टू नंबर। इसके बाद नीचे देखो डन बटन है, डन बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका रिचार्ज हो गया, कंप्लीट हो गया। इधर देखो हमारा देखो 10 अप्रैल 2022 अभी रिचार्ज किया, रिचार्ज करने के बाद वो आपका रिचार्ज हो गया, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे रिचार्ज करते हैं। अभी इतना बोल के वीडियो रखता हूँ।